हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम बधाई के पात्र हैं कि वे 17 वर्षों बाद प्रदेश में नई खेल नीति लाने जा रहे हैं और ये दिसंबर में होगा। वन व खेल मंत्री ठाकुर गोविंद इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये मानना है कि खेल संघों में सरकार किसी तरह का दखल नहीं देगी। प्रदेश के 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में व्यापक संशोधन करने जा रहे हैं, इसमें खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में खेल नीति में संशोधन किया जाएगा और उसे अच्छे तरीके से हिमाचल प्रदेश में रखा जाएगा। 2001 के बाद कोई भी संशोधन खेल केस में नहीं हुआ है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं कि 17 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश में खेल में व्यापक संशोधन होगा और इस पॉलिसी आने के बाद, ये पॉलिसी दिसंबर में आएगी और इस पॉलिसी को बनाने में हमारे खेल मंत्री गोविंद ठाकुर जी का, इसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और एक सबसे बड़ी बात है कि पिछली जो सरकारें थी उनका खेल संघों से आते ही जब जैसे सरकार बनती थी खेल संघों के साथ टकराव शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार खेल संघों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। खेल संघ स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और विधायक जी ने साफ कहा है, और यहाँ एक मल्टीपल ग्राउंड बने ताकि यहाँ के खिलाड़ी अच्छी सुविधा हो सभी गेम्स के। आज मेरी महेंद्र जी राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं और हमारे अनिल जी, इन्होंने भी क्रिकेट खेला है, अच्छे स्तर पर क्रिकेट खेला है। इनमें सभी खिलाड़ियों को साथ लेके सुंदरनगर में एक अच्छा मैदान हो, ये ऐसा मुझे विश्वास है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। इच्छा होता है ना, इच्छा ही।